22 जनवरी की ये तिथि जहां हर लोग, पूरा देश, पूरा प्रदेश विश्व राममय हो चुका है, वहीं शब्द सांची की टीम रीवा में पल पल की रिपोर्ट ले रही है। रीवा के हर सड़क, हर घर में राम की धुन, राम के गुण गाए जा रहे हैं। वहीं आज मैं पहुंचा हूं विंध्य प्राइड में, और यहां पे जो है सो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की गई है, तो वहीं यहाँ भी जो है जश्न और हर्षोल्लास के साथ लोग जो है कार्यक्रम रखे हैं। बताइए सर, आपका नाम क्या है? मैं संजीव मेहरोत्रा, विंध्या प्राइड का डायरेक्टर हूँ। पूरे देश में राम लहर है और हमारे सैकड़ों वर्ष के सपने को आज साकार करते हुए ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने जीवन काल में यह दिन आज 22 जनवरी का देख पा रहे हैं, और इसीलिए हमने अपने प्रतिष्ठान में, अपने प्रोजेक्ट में इसमें एक छोटा कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। हमने आज सुबह से ही धार्मिक भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन यहाँ पर किया, और अभी भंडारे का कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। शहर के तमाम प्रतिष्ठित नागरिकों को और यहाँ हमारे कार्यरत श्रमिकों को, सभी को हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया है, ताकि हम लोग सब पूरे देश के साथ आज राममय हो सके। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है? हम लोगों ने पूजा पाठ, सुंदरकांड का पाठ, भजन कीर्तन के साथ शाम को हम लोग यहाँ पर दीप प्रज्वलन करेंगे, और अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आकर राममय हो, ये हमारा प्रयास है। हमने पूरे शहर को यहाँ पर आमंत्रित किया है। कितनी खुशी के दिन है कि 500 वर्षों का इंतजार सनातनियों के लिए ख़त्म हुआ, और जो कार सेवक थे, जो खून की बहाए थे, जो सरयू के तट पे आज जो प्राण प्रतिष्ठा की जाए उसी सरयू में खून बहाए थे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है, और हमारी वर्षों की तपस्या पूरी हुई है। इसमें हमारे उन कार सेवकों का, जिन्हें हम शहीद भी कह सकते हैं, इतना बड़ा योगदान है, क्योंकि ये कोई एक मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये हमारे अपने भावनाओं की बात है, और इसमें कहीं भी कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि ये पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में राम लहर इस समय है। और इसका निश्चित ही हमारे उन कार सेवकों को मैं इस पूरे कार्यक्रम को समर्पित भी करना चाहूँगा, जो योगदान, जो त्याग, जो बलिदान उन्होंने किया है, वो निश्चित ही हम सब के लिए आज ये दिन हम देख पा रहे हैं। एक उत्सव है, एक वातावरण है, बहुत आनंदमय है। सुबह से बिल्कुल मन पुलकित है और बहुत अच्छा लग रहा वातावरण सारा, और राम जी ने भी कृपा करी कि आज कोहरे से खुल गया एकदम धूप, तो और आनंद पे आनंद आ गया, क्या कहना। और बहुत अंदर मन जो है तो बिल्कुल प्रफुल्लित है अच्छी तरीके से। आपके उम्र को देख के लग रहा है कि आपने इस जो ये विवाद था बहुत पहले से देखा होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस समय में जब कार सेवकों पर गोली चली थी और आज एक भव्य राम मंदिर उसी जगह पर बनकर तैयार है? हो गया, वो सब अपने समय का एक अलग वो था, दौर था, लोगों ने उस समय भी बहुत संघर्ष किया, और इस आने के लिए कितना कोर्ट कचहरी सब कुछ तो हुआ, क्या नहीं हुआ, और लोगों की धारणा आस्था सब जुड़ी हुई थी, और उस पर जीत हुई, और राम ने जीता था तो ये भी जीत गए हम लोग। जो कार सेवकों पे गोली चली, वो गोली उनके बलिदान की थी, और आज उनका बलिदान रंग लाया है। इतना भावुक पल है ना कि जिस सरयू नदी में खून बही थी उसी सरयू के किनारे जो है, मैंने न्यूज़ में देखा था, आज तक मैं शायद दिखाया था उन्होंने, कि किस तरीके से लाशों को बोरियों से बांध के निकाला गया और गली सड़ी लाशें बाहर निकली। मैंने चाहे वो विरोधी पार्टी रही हो, हैं तो इंसान, किस तरीके से उन लोगों ने ये विभत्सता लाई थी, मैंने वो बिना हृदय के लोग थे क्या? और इस जगह सीधा सीधा समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं से पोषित थे, किसी भी दूसरे देशों से पोषित थे, और आज वो सारी चीज़ें, आज 28 पार्टियों का पूरा चरित्र सामने आ चुका है। इसको अपन लोग, अब हम ज़्यादा शब्द नहीं है, आज एक ही शब्द है, जय श्री राम। खुशी का लहर, खुशी की लहर। यहाँ और भी लोग जो इकट्ठे हुए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज जब देश राममय हो चुका है, 500 वर्षों का सनातनियों के लिए जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। बड़ा अलौकिक अद्वितीय क्षण है भारतीय संस्कृत, सनातनी भारतीय सनातन के लिए, ऐसा अद्भुत विहंगम अद्वितीय क्षण, अलौकिक क्षण के लिए समूचा देश प्रतीक्षारत था। आज ये अद्वितीय क्षण हम सब लोगों के लिए प्राप्त हुआ है।
और देशवासियों के लिए। आज देश भगवामय है, इसके लिए अनंत कोटि कोटि देशवासियों को बधाई। और देश के परम आदरणीय परम सम्मानित मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं समूचे देशवासियों को इसके अनंत शुभकामनाएं। इस महापर्व के उपलक्ष्य में आज देश भगवामय है और भारतीय संस्कृत को, भारतीय परंपरा को कायम रखने के लिए सबको अपने राममय आदर्श और राम जी के चरित्र का गुणगान और उनके जीवन को आत्मसात करने के लिए ऐसी परिकल्पना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। आज पूरा देश भगवामय है, इसके लिए आपको और पूरे अनंत इस संस्थान को शुभकामनाएं बधाइयां। पिछले कुछ सालों से और जब से ये श्री राम मंदिर का निर्माण और इस सब की बात हुई है ना, तो युवा ज़्यादा जानने के लिए उत्साहित हो रहा है कि क्या था हमारा इतिहास, क्या था ये सब ना, तो वो ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आ रहा है इन सब चीज़ों में। ये जानना कोई बुरी बात नहीं है, हम अपने इतिहास को अगर जान रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है और हमें जानना चाहिए क्योंकि हमें भी आगे जाकर अपनी पीढ़ी, जो आगे जनरेशन आएगी उसे बताना होगा। तो यही सब कंटिन्यू होगा आगे भी, अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारी आगे वाली जनरेशन भी नहीं जानेगी। और बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके बाद, ये जो राम मंदिर निर्माण हुआ है इसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी और लोग और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। देश के अंदर उस समय आज से 200-300 साल पहले छुआछूत की भावना आई, तो उस समय भी गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, सारे लोग सब धर्म में, भक्त सेन नाई जी, भक्त नामदेव जी, बहुत सारे भक्त जो है जिन्हें हम संत के रूप में जानते हैं, ये सब देश के अंदर विचरण किए और सिर्फ इस बात के लिए विचरण किए कि देश के अंदर छुआछूत जात पात खत्म हो जाए। तो ये युग आज का युग नहीं, ये आदिकाल से चला आ रहा युग है और ये पहले भी देश हिंदू का था, सनातन का था, आज भी है। हाँ, धर्म के नाम पे जिसको राजनीति करनी हो करता रहे, हम तो जय सीताराम बोलेंगे साहब। ठीक सर, ये एक बहुत लंबे समय से ये लंबित पड़ा हुआ मामला आज 2023-2024 में 22 जनवरी को बनकर तैयार हो रहा है, युवाओं को क्या संदेश जाएगा इससे? देखिए, युवाओं को संदेश दीजिए पढ़ने का, युवाओं को संदेश दीजिए परिवार के संस्कार को बचाए रखने का, युवाओं को संदेश दीजिए आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, योगा करे और धर्म के नाम पे जहाँ व्यवस्था हो वहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। ये तो देश की जनता का सौभाग्य है कि 500 नहीं, ये 1000 साल से भी ज़्यादा का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सनातन के लिए इससे अच्छा कोई भी उत्सव नहीं हो सकता। ये महाउत्सव है और सनातन से इस देश का जो कल्याण हो रहा है वो आगे होता रहेगा। हमारे जो पुराने मंदिर हैं उनकी भव्यता बढ़ती जाएगी, उन शहरों की भव्यता बढ़ती जाएगी, लोग विदेश जाना बंद करके अपने शहरों को लौटेंगे। इसके लिए मोदी जी और बाकी सब उनकी पूरी की पूरी सहयोगी सभी बधाई के पात्र हैं। इस मंदिर का बनना युवाओं को क्या संदेश जाएगा? युवा तो खास करके इसके लिए बहुत उत्साहित है और आज मैंने ये देखा है कि आज सवेरे 6:30 बजे युवाओं की एक टोली जो है प्रभात फेरी के रूप में हमारे घर के सामने से निकली, तो मुझे लगा कि पूरा देश, पूरे युवा इसके लिए हम लोगों से ज़्यादा उत्साहित हैं और वो ये चाह ही रहे थे कि इस तरह का सनातन का विकास हो, सनातन का आगे और बढ़े और मंदिर बढ़े। जी।